बोलो। हेलो सुल्तान साहब, आप कहाँ हैं? अपने घर पे हूँ। क्यों? सुल्तान साहब, हारून को नगीन के और आपके माजी के बारे में सब कुछ पता चल गया। वो अभी इसी वक्त आपके पास आ रहे हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं ना तो प्लीज कर गुजरिए। किससे मिलना है? हारून नाम है मेरा और मुझे सुल्तान से मिलना है। आप हमसे अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं मिल सकते। तुम अपनी बकवास बंद करो। आज मैं सुल्तान से मिलकर ही रहूंगा। पीछे नहीं, इधर ही खड़े रहो। मिलना है मुझे उससे आज। अच्छा ठहरो, पूछ कर आता हूँ। सर वो सर हारून साहब आए। भेज दो उसे मेरे पास। पर सर वो तो मैंने कहा भेज दो उसे मेरे पास। ठीक सर। जैसा समझाया है सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। आने दो इन्हें। तुम्हारा ही इंतजार था। लेकिन ये क्या, अकेले क्यों आ गए? बीबी को साथ ले आते यार। तुम्हारे सामने वो इतराफ करती कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, तब तुम्हें यकीन आ जाता। अपनी गंदी जबान से मेरी बीवी का नाम मत लेना। मैं इतने अरसे में तुम्हें क्या समझता रहा और तुम मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे, मुझे बेवकूफ बनाते रहे। बेवकूफ तो तुम हो, इसीलिए तो 6 साल से एक ऐसी औरत के साथ रह रहे हो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती है। अपनी बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास। यू नो व्हाट, तुम उसे डिजर्व भी नहीं करते थे। जितनी आसाइशें जितनी खुशियां तुम उसे दे रहे थे। अरे वो तो मैंने तुम्हें दी थी, तुम खुद तो किसी काबिल नहीं। मैं जान से मार दूंगा। इस तरह तमाशा करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, आज नहीं तो कल। नगीन ने मेरे पास आ जाना है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम खुद चुपचाप नगीन को मेरे हवाले कर दो। बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ पहले ही दे चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो बिला तकल्लुफ मुझे बता देना। तुम्हारी खुशी के लिए मैं वो सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। एक बात याद रखना सुल्तान, मैं भी तुम्हें तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता। इसलिए तुम भी इस बात को समझो और चुपचाप मेरी ऑफर कबूल कर लो। तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा।
तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। अच्छा, मैंने सोचा था कि तुम्हें तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारी महबूबा के साथ कहीं बाहर शिफ्ट करा देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें नगीन को डिवोर्स देनी होगी। और एक बात सबसे ज़रूरी, अगर तुमने मीडिया में मेरे बारे में भौंकने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, मैं दोनों को जान से मार दूँगा। ले जाओ से चलो भाई।